नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित नौटियाल और आज मैं बनाने जा रहा हूँ समोसे। तो इसके लिए मैंने मैदा लिया, इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला हुआ है, अजवाइन, और इसकी क्वांटिटी मैंने 5 to 6 पीपल के हिसाब से ले रखा है। आप जितने पीपल हो उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। तो मैंने 5 to 6 पीपल के हिसाब से 3 कटोरी मैंने मैदा ले रखा है। तो चलिए इसकी प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पानी डालेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे इसको हार्ड टाइप का। ये हमने पानी डाला, ये मैंने मैदा भून दिया है। इसको हम अभी 10 से 15 मिनट के लिए इसको फ्रिज में छोड़ देंगे। थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, टाइट से है कि हम जल्दी से इसको रोल कर पाएंगे। जब तक हमारा आटा टाइट होता है तब तक हम समोसे का मिक्सचर रेडी कर देते हैं। इतने में हमारा आटा भी सेट हो जाएगा, इतने में ऑयल वगैरह सारा हम सेटअप कर देंगे। ये समोसे के मिक्सचर के लिए हमने ये ग्रीन पीस बॉइल के लिए चढ़ा दिया है और ये हमारा पोटैटो बॉइल कर दिया हमने। ये हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, इस पे हमने ऑयल डाला थोड़ा सा। इसके बाद हम इस पे डालेंगे जीरा, हल्का सा जीरा भूनेंगे। तो इसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्च और थोड़ा सा प्याज डालेंगे। इसमें ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो। और प्याज का अपना एक क्रंची बनाता है, इसको भी हम समोसे में बॉइल करते हैं। ये हमारा आलू रेडी हो गया है और ये ग्रीन पीस है, तो ग्रीन पीस भी हम इसमें डाल देते हैं कढ़ाई में। और हरा धनिया है, ये हम लास्ट में डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर आए। इसको हल्का सा सौते करेंगे, ज्यादा नहीं पकाना, हल्का सा। अब हम इसमें डालेंगे सीजनिंग करेंगे, इसमें सॉल्ट डालेंगे, स्वाद अनुसार डालेंगे सॉल्ट। सॉल्ट थोड़ा ज्यादा डाल देना ताकि आलू के मिक्सचर के साथ कॉम्बिनेशन बैठ जाए इसका। और थोड़ा सा लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ठीक है, थोड़ा हल्दी, अच्छे से मिलाएं। इस मिक्सचर को आलू के साथ मिला के इस तरह ये मिक्सचर रेडी हो जाएगा। इसके बाद हम रोटी बेलेंगे मैदे की। ध्यान रहे कि इसका जो डो है ढीला ना हो, अगर ढीला होगा तो परफेक्ट शेप नहीं आएगी और जो इसको रोलिंग करोगे तो बहुत ज़्यादा ही लूज होगा। इस तरह से इसको रोल करें, उसके बाद इसको 1/2 काटें। 1/2 काटने के बाद इसको इस तरह से त्रिकोण की तरह फोल्ड करें और दोनों तरफ से अच्छे से इसको दबा दें ताकि इसका जो अंदर का मिक्सचर है बाहर ना निकले। फिर इसके बाद साइड से इसको गीला कर दें ताकि चिपकने में इसको आसानी हो। उसके बाद इसके अंदर मिक्सचर डाल दें, ये जो हमने आलू का बनाया है। इसको स्टफिंग करने के बाद इसका परफेक्ट शेप इस तरह दिखेगा। कढ़ाई का तेल लगभग गर्म हो चुका है, जो इसका टेम्परेचर है ना ज़्यादा हाई होना चाहिए ना ज़्यादा कम होना चाहिए, मीडियम टेम्परेचर होना चाहिए ताकि इसमें जो समोसे हैं परफेक्टली फ्राई हो पाए। और इसको हल्की आंच में ही पकाना चाहिए। देखिए इस तरह परफेक्ट हमारे जो समोसे हैं लगभग बन के तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको निकालते हैं। फाइनली दोस्तों हमारे समोसे हो चुके हैं रेडी। ये हमने मिनी समोसा बनाया है और
और ये हमने ये बना रखी है चटनी, ये हमने स्पाइसी चटनी बना रखी है। इसकी रेसिपी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा किस तरह से बनती है। तो चलिए इसको हम खा के देखते हैं कैसा टेस्ट आता है इसका। ओके, ये समोसे बड़े प्यारे हैं, देखो कितना शेप इसके जो है परफेक्ट शेप बने हुए हैं। ये देखो समोसे के शेप जो है बहुत परफेक्ट है। तो इसको एक बार हम ट्राई करते हैं। लाजवाब लाजवाब होम मेड समोसे, ऐसे समोसे का जो टेस्ट है ना घर के अलावा कहीं नहीं मिल सकता, कहीं भी नहीं। एकदम क्रिस्पी, और इसमें आलू की स्टफिंग है बहुत प्रॉपरली एकदम फिल कर रखी है। जो टेस्ट आ रहा है उसका बहुत लाजवाब है, और जो चटनी है इससे भी लाजवाब चटनी है जो इसको और ही ज्यादा टेस्टी बना देता है। लाजवाब, इतना बढ़िया समोसा आप खुद घर में बना सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि आप बाहर जाओ बाहर से समोसे लेके आओ। आप घर में ही मैक्सिमम आधे घंटे में आप इस समोसे को घर में बना के खा सकते हो। ये सारे समोसे मैं अकेले ही खाने वाला हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऑल द बेस्ट। गुड बाय।